शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। भारतीय जनता पक्ष के पूर्व शहर अध्यक्ष और पूर्व विधायक सुधाकर कोहे, इन्होंने अपना जन्मदिन बुधवार को बड़े ही सादगी के साथ मनाया। कोरोना के सभी नियम को पालते हुए यह जन्मदिन मनाया। कोहले के निवास स्थान पर सुबह से ही अनेक चाहने वालों की भीड़ लगी थी। सोशल दूरी का पालन करते हुए उन्होंने सभी से शुभेच्छा को अपनाया। कोहले इन्होंने कहा कि आज आषाढ़ एकादशी है और मैं विठुराय से यह प्रार्थना करता हूँ कि अपने देश से कोरोना चला जाए। वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा देण्यासाठी माझ्यावर प्रेम करणारे बरेच कार्यकर्ता, मित्र मंडळी, समाज बंधू सर्व स्तरातून आलेले आहेत। मी आवाहन केलं आहे की सोशल डिस्टन्सिंग ठेवा। मी स्वतः प्रत्येकाला मास्क आणि सॅनिटायझर देऊन त्यांचं स्वागत करतो आहे आणि अजून काही दिवस तरी सोशल डिस्टन्सिंग पाळण्याचं आवाहन करतो आहे। मी आज आषाढी एकादशी आहे, आषाढी एकादशीनिमित्त विठ्ठल रुक्मिणीच्या चरणी प्रार्थना करीन की माझा महाराष्ट्र हा लवकर कोरोना मुक्त होऊ दे, माझ्या सर्व जनतेला सुख समृद्धी आणि संपन्नता लाभू दे, यासाठी मी विठ्ठलाच्या चरणी प्रार्थना करतो आणि लवकरच कोरोना मुक्त जीवन जगण्यासाठी आमची सर्व जनता सज्ज राहील अशी अपेक्षा व्यक्त करतो। धन्यवाद।